अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हुसैन रियल एस्टेट। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद सेक्टर G14 में। हम आपको टूर करवाने जा रहे हैं 30x70 9 मरला कॉर्नर कैटेगरी का हाउस। ये गेट जो है मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। काइंडली देखने वाले से रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। इस घर की प्राइस, फ्लोर पैटर्न और इंटीरियर डिजाइन हम इसी वीडियो के दौरान ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको जो है इसकी राइट साइड वाली स्ट्रीट्स वो चेक करवा देते हैं। ये आप देख सकते हैं फुली कारपेटेड जो है, और इसके जो है वो बैक साइड पे छोटा डोर भी दिया गया है। एक्स्ट्रा लैंड आप चेक कर सकते हैं, घर के साथ जो है वो काफ़ी मौजूद है। फ्रंट के एरिया व्यूअर्स हम आपको चेक करवाते हैं इसका फ्रंट एलिवेशन क्लोजली। ये व्यूअर्स इसका फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं इसका जी व्यूअर्स। बाहर की बात कर लें तो टोटली जो है वो इधर वॉल ग्रेस का काम किया गया है। और व्यूअर्स फ्रंट पे आप चेक कर सकते हैं ग्लास और स्टील की जो है वो ग्रिल का इस्तेमाल किया गया। मेन आप इसका एंट्रेंस डोर पे चेक कर सकते हैं, ब्लैक कलर में दिया गया है। घर के अंदर इंटर होते हैं तो व्यूअर्स सबसे पहले आप इसका कार पोर्ट्स का एरिया देख लें, जिसमें 2 से 3 बड़ी गाड़ियों के लिए पार्किंग है। एक राइट साइड पर और 2 जो है वो आप इधर फ्रंट वाली साइड पर पार्क कर सकते हैं। नीचे जो है वो कार पोर्ट्स के ऊपर मार्बल वर्क का काम किया गया और खूबसूरत आप इसका व्यूअर्स सीलिंग डिज़ाइन चेक कर लें जी व्यूअर्स। घर का विजिट हम स्टार्ट करते हैं तो मेन आप इसकी इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं। सॉलिड वुड में हाइटेड जो है वो डोर वर्क इसके डिज़ाइन किए गए हैं। तो इंटर होते हैं सबसे पहले आप इसके लेफ्ट साइड पे स्टेज चेक कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत इसकी डिज़ाइन की गई है, जो कि ऊपर वाले पोर्शन के लिए आप इधर से जो है वो इंटर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको राइट साइड पे इसका ग्राउंड पोर्शन का ड्राइंग रूम का एरिया वो चेक करवाएंगे व्यूअर्स। इंटरेस्ट आप चेक कर सकते हैं, सॉलिड वुड में तैयार किया गया, हाइटेड जो है वो डोर वर्क है। ये व्यूअर्स इसका ड्राइंग रूम चेक कर सकते हैं ग्राउंड पोर्शन का। सामने वॉल के ऊपर आप देखें फिक्सचर वॉल जो है वो सामने वुड के साथ काम किया गया है, और ऊपर इसका खूबसूरत फानूस के साथ सीलिंग डिज़ाइन वर्क है। कॉर्नर की वजह से 2 हाइटेड इधर विंडो मौजूद हैं। एक आप इसकी लेफ्ट साइड वाली देख सकते हैं जो कि बाहर एक्स्ट्रा लैंड की तरफ ओपन होती है, और इधर एक फ्रंट साइड वाली जो कि कारपोर्ट्स की तरफ ओपन होती है। व्यूअर्स ये आपने इसका ड्राइंग रूम चेक किया, मैं आपको जल्दी से इसका ग्राउंड पोर्शन का टूर करवाता हूँ। तो वापस हम चलते हैं इसके मेन एंट्रेंस की तरफ। तो ये है इधर इसका टीवी लाउंज का एरिया, काफ़ी बड़े साइज में इसका टीवी लाउंज डिज़ाइन किया गया है। नीचे आप देख सकते हैं खूबसूरत टाइल वर्क इसकी डिज़ाइनिंग, पूरे घर में एक ही पैटर्न को इस्तेमाल किया गया है टाइल वर्क के साथ। सामने आप इसकी मीडिया वॉल देख सकते हैं, फुली ऊपर तक हाइटेड जो है वो इसके वुड के साथ काम किया गया है। मेन आप इधर चेक कर सकते हैं LCD के पॉइंट्स, और इसका टीवी लाउंज का खूबसूरत व्यूअर्स सीलिंग डिज़ाइन वर्क चेक कर लें जी व्यूअर्स। बेडरूम का टूर करवाते हैं, उससे पहले हम आपको इसका किचन चेक करवाते हैं। लेफ्ट साइड पे आप इसका किचन, और इधर थोड़े से आर्टिफिशियल आप घास वगैरह को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लांट्स की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये व्यूअर्स इसका किचन का इंटर स्टोर वर्क है, सॉलिड वुड में तैयार किया गया। आप इसका डोर चेक कर सकते हैं, और ये इसका किचन आप चेक करें व्यूअर्स, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत इसका जो है वो किचन का काम किया गया। नीचे टाइल वर्क है, और ऊपर आप इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन वर्क चेक कर सकते हैं। और इधर ऊपर आप इसका हुड देख लें, या नीचे इसका बर्नल है जी व्यूअर्स। नीचे मैं आपको इसके जो है वो ड्रॉर्स वगैरह चेक करवा देता हूँ जी व्यूअर्स। ये आप इसका ड्रॉर चेक कर लें, ऊपर वाली साइड पे भी, और इसी किचन से बैक गैलरी के भी इंटरेस्ट स्टोर वर्क है, और बैक साइड पे जो छोटा डोर है ओपन होता है उसकी भी इधर से इंटरेस्ट है। सेपरेट गीजर आप चेक कर सकते हैं, और बैक पे भी इसका सेपरेट टैंक मौजूद है, अपलिफ्ट के लिए पंप भी इंस्टॉल किया गया है। और ये इसकी बैक साइड वाला डोर व्यूअर्स डोर वर्क आप चेक कर लें जी व्यूअर्स। इधर भी आप देखें लॉन्ड्री की स्पेस। तो वापस हम चलते हैं इसके टीवी लाउंज की तरफ, तो बेडरूम का टूर करते हैं जी व्यूअर्स। इधर आप देखें इसका फर्स्ट ग्राउंड पोर्शन का खूबसूरत बेडरूम का साइज है। नीचे टाइल वर्क है, सामने हाइटेड विंडो मौजूद है वेंटिलेशन के लिए, और इधर इसके जो है वो कबर्ड्स जी व्यूअर्स। साथ इधर आप व्यूअर्स इसका बाथ चेक करें, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत इसका बाथ की डिज़ाइनिंग की गई है, फुली ऊपर तक टाइल वर्क है, वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ में मौजूद है। शावर एरिया जो है वो इधर अलग से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, इधर ग्लास को डिज़ाइन करके। वैनिटी आप देख लें, इंग्लिश सीट जो है वो इंस्टॉल है। लेके चलते हैं हम आपको इसके सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो व्यूअर्स इधर आप देख लें इसका सेकेंड बेडरूम, खूबसूरत बेडरूम का साइज़ है, और ऊपर सीलिंग डिज़ाइन वर्क। और इधर व्यूअर्स आप देखें हाइटेड इसके कबर्ड्स मौजूद हैं, साथ इसका बाथ जी व्यूअर्स, फुली ऊपर तक इसकी बाथ का टाइल वर्क है। वैनिटी व्यूअर्स आप देखें इसकी खूबसूरत, नीचे जो है वो टाइल वर्क है, एंडलेस सीट का इस्तेमाल किया गया है। ग्राउंड पोर्शन का आपने विजिट किया, ग्राउंड पोर्शन में प्रॉपर 2 बेडरूम मास्टर साइज़ के, और एक ये बड़े साइज़ का टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम की सेपरेट से इंटरेस्ट, और ये किचन बैक गैलरी से इंटरेस्ट स्टोर वर्क है। ये इसकी व्यूअर्स आपने अकोमोडेशन चेक की,
मैं आपको इसके ऊपर वाले पोर्शन में लेके चलता हूँ। तो ऊपर वाला पोर्शन का जो है टोटली एकोमोडेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, काम के लिहाज से भी बहुत ही खूबसूरत ऊपर वाले पोर्शन को भी डिज़ाइन किया गया है। ऊपर आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसका राइट साइड पे टेरेस का एरिया है वो चेक करवाता हूँ। ये आप देख लें इसका राइट साइड पे टेरेस का एरिया जी वर्स। इस घर की लोकेशन की बात कर लें तो इस घर की बिल्कुल क्लोज पे जो है वो एंड के ऊपर मेन कश्मीर हाईवे है जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहते हैं। टेरेस की खूबसूरत आप इंटरेस्ट चेक कर लें, ऊपर सीलिंग डिज़ाइन वर्क है जी वर्स। स्टेयर से जैसे ही एंटर होते हैं तो बिल्कुल सामने इसके जो है ऊपर वाले पोर्शन का ड्राइंग रूम है। ये वर्ड्स आप ड्राइंग रूम चेक करें, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत इसकी जो है डिज़ाइनिंग की गई है। दो हाइटेड इधर विंडो मौजूद है वेंटिलेशन के लिए और ऊपर इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन वर्क है फानूस के साथ। सामने फीचर वॉल्स आप चेक कर सकते हैं, स्टार लाइट्स और वुड का जो है काम किया गया है इधर जी वर्ड्स। वापस हम चलते हैं इसके आपको टीवी लाउंज का टूर करवाते हैं ऊपर वाले पोर्शन का। तो वर्ड्स ये आप देखें इसकी पार्टीशन की गई है स्टेयर्स के बिल्कुल सामने वुड के साथ और इस एरिया को अभी डिज़ाइन किया जाएगा। इधर आप आर्टिफिशियल घास वगैरह और प्लांट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। सामने इधर मेन मीडिया वॉल देख लें वर्ड्स, ऊपर इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन वर्क है और सामने इसकी मीडिया वॉल टोटली जो है वुड का काम किया गया है। इधर टू मास्टर बेडरूम है, साथ इधर लेफ्ट साइड पर इसका किचन है। किचन का टूर करते हैं हम जी वर्ड्स। ये आप इसके ऊपर वाले पोर्शन का किचन चेक कर लें, ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन वर्क है, राइट साइड पे फुली ऊपर तक टाइल वर्क किया गया है और ये इसके किचन के कैबिनेट्स वगैरह जी वर्ड्स। ये इसका वॉश एरिया है, वेंटिलेशन के लिए विंडोज मौजूद है हाइटेड और इधर बैक साइड पे डोर भी है बैक गैलरी का इसी किचन से। ये बैक पे वर्ड्स आप चेक कर सकते हैं, सेपरेट गीजर इंस्टॉल है ऊपर वाले पोर्शन का। विजिट करते हैं ऊपर वाले पोर्शन के बेडरूम का, तो इधर आप देखेंगे इसका फर्स्ट मास्टर बेडरूम जी वर्ड्स और इधर राइट साइड पे इसके कबर्ड्स आप देख लें फुली ऊपर तक के और साथ इधर इसका बाथ। ये वर्ड्स आप डिज़ाइनिंग चेक करें, बाथ की टोटली जो है वो डिफरेंट है ग्राउंड पोर्शन की बनिस्बत जी वर्ड्स। मजीद आपको उसका सेकेंड बेडरूम है ऊपर वाले पोर्शन का वो चेक करवाते हैं। तो इधर इसका सेकेंड बेडरूम है और साइज़ बेडरूम के बड़े हैं, अमूमन जो है वो 30x70 में तीन बेडरूम डिज़ाइन किए जाते हैं, मगर वो एक बेडरूम का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता है, मगर ये प्रॉपर मास्टर बेडरूम डिज़ाइन किए गए हैं। ये है वीडियो इसका कबर्ड्स आप देख लें, साथ ही इसका खूबसूरत बात कह रही है जी वीडियो फुली ऊपर तक आप इसका टाइल वर्क चेक कर लें। ये इसका वैरायटी सेटअप है, अलग सिंगल सीट और ये इसका शावर एरिया है। टोटली घर में जो है वो फुली टाइल वर्क और सैनिटरी का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा किया गया है। ये ब्लैक टी के नाम से प्रोजेक्ट है वर्ड्स, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है घर को। अगर कोई बंदा उनके साथ भी रابطہ करना चाहता है तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर रابطہ भी कर सकता है। ऊपर वाले पोर्शन का हम टूर करते हैं ऊपर छत की तरफ लेके चलते हैं हम आपको। स्टेयर्स का डिज़ाइन आप देख लें टोटली बहुत ही खूबसूरत, जितने भी आपने G13 के घर देखे हैं उनमें से या G14 के देखे हैं मुख्तलिफ इस घर को डिज़ाइन किया गया है। ऊपर हम आ गए तो सबसे पहले आप इसका ये ममटी वाला एरिया देख लें, इधर प्रॉपर रूम को डिज़ाइन करके सर्वेंट रूम बनाया गया है। इधर देखिए नीचे मार्बल वर्क है, राइट साइड पर इधर हाइटेड विंडो मौजूद है कबर्ड की, साथ में इसके कबर्ड चेक कर लें और इधर इसके बाद जी वर्ड। यह आपने ऊपर सर्वेंट वाला बाथ भी चेक किया है। ऊपर हम आपको छत का एरिया चेक करवाते हैं, ये छत का जैसे सेपरेट डोर वर्क दिया गया है। छत की बात करें तो टोटली इधर टाइल वर्क का काम किया गया है, ये फ्रंट साइड भी आप देख लें और ममटी को भी खूबसूरत तरीके से जो है वो लाइटिंग करके डिज़ाइन किया गया है। ये इसकी फ्रंट वाली छत आपने देखी है, तो मैं आपको एक दफ़ा इसका बाहर का स्ट्रीट का ओवर व्यू चेक करवा देता हूँ जी वर्ड। ये इसका बाहर का स्ट्रीट ओवर व्यू, सामने क्लोजली मैं आपको श्रीनगर हाईवे ये आप देख सकते हैं, सामने जो है वो रवा दवा है श्रीनगर हाईवे और बैक साइड पे इसका सेपरेट टैंक है जी वर्ड। ये इसका सेपरेट टैंक है बैक साइड पे और लॉन्ड्री की स्पेस इधर मौजूद है।
व्यूअर्स इस करके जो डिमांड कर रहे हैं वो 6,25,00,000 डिमांड कर रहे हैं। 30x70 इसकी डायमेंशन है, तकरीबन 9 मरला ये घर का साइज बनता है। काइंडली देख लो, रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई बंदा इधर बाय करने में इंटरेस्टेड है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर रबता कर सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।